नमस्ते, मैं हुटिया ग्रैंड मास्टर हीलर, क्रिस्टल हीलर, ट्विन फ्लेम कोच, टैरो रीडर, पीएलएन थेरापिस्ट एंड क्रिया कुंडलिनी मास्टर। वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू टीआरटेल कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और एक करंट फीलिंग की वीडियो। डिफरेंस क्या है? ये शिव रात्रि की जो महा आशीर्वाद से एकदम ब्लेस्ड एनर्जी है, यहाँ पे आपकी पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, यहाँ पे ये जो है एकदम मतलब एक्सट्रीमली हाई एनर्जी, यहाँ पे आपकी पर्सन का क्या सोच है आपके लिए, आपके अंदर क्या चेंजेस, उनके अंदर क्या चेंजेस, ओवरऑल करंट फीलिंग में, ओवरऑल एनर्जी में क्या चेंजेस, देखने के लिए आज की रीडिंग। उनकी करंट डीपेस्ट फीलिंग इमीडिएट एनर्जी में आपके लिए। रीडिंग से पहले जैसे मैं ऑलवेज सर्विसेज के बारे में बोल देती हूँ, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर आपको ट्विन फ्लेम हीलिंग, ट्विन फ्लेम कोचिंग चाहिए फॉर योर परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन, अगर आपको पीएलआर करवाना है, अगर आपको प्योर एनर्जाइज क्रिस्टल चाहिए, रुद्राक्ष क्रिस्टल, प्योर एनर्जाइज चाहिए, प्योर होना चाहिए, अदरवाइज काम नहीं करता, एंड एनर्जाइज आपके नाम एज पर योर डेट ऑफ बर्थ, एज पर योर बर्थ डिटेल्स, अदरवाइज जिनका बर्थ मालूम नहीं है, हम लोग फोटो देख के, प्रॉब्लम देख के उसको एनर्जाइज करते हैं हम लोग, मतलब मैं जो भी एनर्जी कर सकता है, यहाँ पे इस केस पे मैं करती हूँ, खुद एनर्जाइज करके आप तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको ये सर्विसेज चाहिए, अपने प्रॉब्लम को हील करना है, अगर रिलेशनशिप हीलिंग, करियर ब्लॉकेज को हील करना है, कोई अनक्योरेबल कोई बीमारी लग रहा है, हेल्थ इश्यूज है, या कोई भी प्रॉब्लम में आप बहुत हेल्थ इश्यूज पे जा रहे हो, एजुकेशनल प्रॉब्लम है, जो भी करियर प्रॉब्लम, अगर उनको हील करना है डिस्टेंस रे की हीलिंग के जरिए, तो मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कहाँ करेंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9087282880, उसमें व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। ये तो गया सर्विसेज के बारे में। अभी आते हैं रीडिंग से पहले दो बातें। आज की बातें तो कुछ स्पेशल होगा ही, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि, कल तक चलेगा, एंड ये जो शिवरात्रि होता है, ये शिवरात्रि में एक्चुअली हर महीने शिवरात्रि आते हैं, हर महीना प्रदोष, जो आपका पूर्णिमा या न्यू मून से पहले, फुल मून या न्यू मून से पहले जो 13 डे होता है, उसमें आपका एक्चुअली शिवरात्रि की डे होता है। तो एवरी मंथ ही आपको शिवरात्रि मिलता है, मगर ये महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि शिव जी एंड पार्वती जी की शादी के दिन को मनाया जाता है। इस दिन बोला जाता है सबसे अच्छा मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं, आपका जो एक्चुअली दिल की चाहत है आप पूरे कर सकते हो। दिल खोल के कमेंट सेक्शन में बोलिए आपकी जो भी चाहत है, आपकी जो भी विश है, दिल खोल के बोलिए कमेंट सेक्शन में। मैं जब भी हीलिंग में बैठूंगी रेकी मदर से, डिवाइन से, आज के स्पेशल एनर्जी में स्पेशली आप लोगों के लिए विश करूंगी, दिल खोल के बोलिए। आज कल अभी का जो एनर्जी है, ओवरऑल बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, दिल खोल के आपकी प्रेयर को बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और सच में आप लोगों को जब प्रेयर फुलफिल हो जाता है, आप लोग इतना प्यार भरा मैसेजेस मुझे भेजते हो, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, आप लोगों की विश फुलफिल करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग से पहले दो बातें मैं एक बार मैं बोल चुकी हूँ, फिर बोल रही हूँ। स्पेशल बातें क्या है, क्या क्या करना है, कुछ रिचुअल्स करना है, कुछ करना है एकदम बहुत ही धीरे से, गहरी सी लंबी सी सांस लीजिए एंड गहरी सी लंबी सी सांस को छोड़िए। इस टाइम में हम लोग तीन चक्रा के ऊपर बहुत ज्यादा काम करता है, अनाहुत चक्रा, विशुद्धि चक्रा एंड आज्ञा चक्रा। बोलिए एकदम दिल खोल के वाइब्रेशन कीजिए ओम की, आपकी शरीर में जो मिलियन ट्रिलियन जितना भी आपका सेल्स है उसको वाइब्रेट कीजिए इस टाइम में, ओम की उच्चारण कीजिए, एकदम गहरी सी लंबी सी सांस लीजिए, छोड़ते वक्त ओम। अगर रिलीजियन वाइज आप लोगों को लग रहा है कि नहीं,
मैं ओम बोलने के लिए मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है. ओम तो एक वाइब्रेशन है. एनी हाउ ओम वाइब्रेशन का स्पेशलिटी क्या है मालूम है? क्या है? जितना रिसीव कर रहे हो, ये रिसीवर भी है गिवर भी है, वाइब्रेट भी कर देते हैं. मतलब आपकी बाहर से जितना पॉजिटिव एनर्जी आपके हर सेल में भर देंगे एंड सेल के अंदर जितना ब्लॉक एनर्जी है निकाल जाएगी. हर सेल को वाइब्रेट करते हैं ये एनर्जी. ओम की उच्चारण, ओम की ध्वनि. अगर आपको रिलीजियस कोई प्रॉब्लम है, मैं ओम नहीं बोलूंगी ऐसा कोई या बोलूंगा कोई बात नहीं, हमिंग कीजिए. ओम की जगह अमीन बोलिए, बोलिए, वाइब्रेट कराइए पूरा बॉडी को. अगर आप लोगों के पास, मैं उस दिन सोच रही थी और काल में वीडियो लेके नहीं आ पाई, अगर आप लोगों के पास रुद्राक्ष की माला है बट श्योरली आप एनर्जाइज रुद्राक्ष की माला लीजिए. अदरवाइज आप यूज करते हो करते 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 आपके पास है ऐसा रुद्राक्ष की माला है, ठीक है, इससे भी आप बहुत अच्छा एकदम जप कीजिए, चैंटिंग कीजिए ओम नमः शिवाय का 108 बार चैंटिंग कीजिए ओम नमः शिवाय का. हाथ में रख के मैनिफेस्ट कीजिए. मैनिफेस्ट के लिए एक्चुअली ये जो क्रिस्टल, ये जो स्फोटिक वाला जो ये होता है, आज एक्चुअली मैं पहले भी सोची थी भूल गई, मगर आज शिवरात्रि के दिन में आपके लिए ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है. ऐसी बातें हर महीना कर सकते हो, हर दिन कर सकते हो, शिवरात्रि जब भी आते हैं उस दिन कर सकते हो, हर महीना में जो आते हैं. ये स्फटिक का जो माला होता है मेडिटेशन के टाइम में मैं बार बार बोलती हूँ पहनिए, या खुद के टाइम में पहनिए, शरीर को शांत रखेगा, ऑलवेज शांत रहेगा. तो इसको भी आप हाथ पे लेके प्रॉपरली मैनिफेस्ट कर सकते हो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है. ये रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष आपके हिसाब से वो रुद्राक्ष दिया जाता है. देखिए ये भी एक रुद्राक्ष की है. रुद्राक्ष डिपेंड करता है कि आपके ऊपर चांदी ज्यादा काम करेगा या तामा का मिडिल में ज्यादा काम करेगा, जो आपकी काम करेगा एज पर योर व्यवहार. इसको अगर इस पे कोई भी चीज है आपके पास या जो भी है, अगर नहीं है दुखी होने का कोई दरकार नहीं, मगर आज का अगर है तो इसको मैनिफेस्ट कीजिए, चैंटिंग कीजिए, आपके साथ रखिए, ठीक है. अगर आपको सो रहा है, बहुत लोग रात को सोते नहीं है, अगर आज के रेट में रात को सोते, मतलब शिवरात्रि के दिन बहुत लोग सोते नहीं है, तो आप हाथ में रखिए, आप पहन लीजिए. अगर सो रहे हो पास में रखिए. ये सिर्फ शिवरात्रि बोल के नहीं, आप जब भी रखोगे आपका बहुत अच्छा होगा. ये जो लोटस सीड की जो माला है ये औसम काम करता है आपके मन को शांति के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए. मेन है मन में अशांति हो उसको शांत करना, और भी बहुत सारा काम है. मैनिफेस्टेशन फुलफिल करना बहुत सारा काम है, तो इसको भी हाथ पे रख के आप मैनिफेस्ट कर सकते हो दिल खोल के, ठीक है. इसका बहुत सारा काम है. कभी मैं इसका हीलिंग ले, मतलब ऐसा वीडियो लेके आऊंगी तो डिटेल में बताऊंगी. एनर्जाइज करके अगर ये प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, आपका काफी प्रॉब्लम को, गुस्सा आना, ये होना, आपके अंदर करेंगे करेंगे वाला शक्ति, उसको आगे नहीं लेके जाना, हर चीज से आप मुक्ति मिल सकते हैं, ठीक है. अगर है आज की उपयोग कीजिए, ठीक है, आज काल इसका उपयोग कीजिए और हर महीना शिवरात्रि के दिन कीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा. वैसे तो मैं बोलूंगी डेली डेली कोई करेंगे तो इसकी इनका तो काफी अच्छा इफेक्ट देगा, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज यहाँ पे बहुत नॉइज है बिकॉज मास में, यहाँ पे साउथ इंडिया में, चेन्नई में, हर जगह तो एक टेम्पल होता है, हर मोहल्ला में एक टेम्पल होता है, तो ये टेम्पल में बहुत शिवरात्रि मनाया जा रहा है, तो बहुत सारा साउंड गाना वगैरह बज रहा है. तो अगर आप लोगों को साउंड में प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, मगर ये तो एक्चुअली सबकी पूजा की टाइम है, कुछ नहीं बोल सकते, राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग. रीडिंग से पहले जैसे मैं बोलती हूँ, थोड़ा सा हीलिंग एनर्जी को ले लीजिए. जो शंख की आवाज होते हैं, जो ये जो घंटा की या कोई भी साउंड इफेक्ट आपका अज्ञा चक्र को काफी एक्टिव बनाते हैं, थ्रोट चक्र को एक्टिव बनाते हैं, तो फील कीजिए आप वो एक्टिवेशन, हार्ट चक्र में वो एक्टिवेशन जो आपको कहीं ना कहीं से वाइब्रेट करके आपके अंदर का जितना नेगेटिविटी है रिलीज कर रहा है, ठीक है. चलिए Thank you.
चलिए देखते हैं आपकी पर्सन की आज की फीलिंग क्या है स्पेशल एनर्जी में। चलिए देखते हैं आपकी पर्सन की फीलिंग आपके लिए आपकी पर्सन की फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। चलिए देखते हैं, फर्स्ट कार्ड आया है सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, फुल एनर्जी, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड कार्ड, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, काफी अच्छा एनर्जी है। पेज ऑफ वांड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ वांड्स। अच्छा देखिए, यहाँ पे आप हो सकते हो वाटर साइन, हो सकते हो अर्थ साइन, हो सकते हो एयर साइन, हो सकते हो फायर साइन। वाटर का एंड अर्थ का काफी जोरदार एनर्जी मुझे फील हो रहा है, हम देख रहे हैं, क्योंकि सो मेनी कार्ड्स है तो सब एनर्जी का ही होगा। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, ठीक है। सो ये जो पर्सन है, ये पर्सन डर से, डरपोक राजकुमार डर से निकाल रहा है। ये सबसे बड़ा खुशखबरी है आप लोगों के लिए, डरपोक राजकुमार डर से निकालने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। इनका ऐसा कुछ सिचुएशन तो है जहां पे ऑप्शंस है, सो मेनी ऑप्शंस है इनकी बात में, फिर भी वो आपके लिए मेहनत कर रहा है। उनके पास ऑप्शंस है, उनके पास बहुत सारा 50-50 मेंटेलिटी है कि जाना सही होगा कि नहीं, ये सब होते हुए भी जो था भी, बट एनी हाउ उसके बाद भी, अभी भी है, उसके बाद भी उनकी कहीं ना कहीं सबकॉन्सियस एनर्जी, कॉन्सियस एनर्जी जो भी है बोलते नहीं, अल्टीमेटली यू आर द राइट चॉइस, ठीक है। ये एनर्जी में एक्चुअली ये होते हैं, कंफ्यूज्ड एनर्जी है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। इमीडिएटली हो सकता है इमीडिएट एनर्जी में कोई काम पे बिजी है, बहुत काम पे बिजी वाला एनर्जी दिख रहा है। साथ ही साथ दिख रहा है कि कुछ थोड़ा सा दूर में अभी कोई ट्रैवल का एनर्जी दिख रहा है बहुत लोगों के लिए, आपका या उनका, या होने वाला है या कर रहा है ट्रैवल, ट्रैवल वाला एनर्जी मुझे दिख रहा है। आप लोगों में बहुत लोग है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बहुत लोग है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। अभी वो नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन एंड एक्सेप्ट ही करने वाला सिचुएशन फुल कार्ड आया है, न्यू बिगिनिंग होने वाले हैं, न्यू बिगिनिंग होने वाले हैं। न्यू बिगिनिंग कैसे उनको चाहिए, सिक्स ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कप्स की एनर्जी हम लोग देख सकते हैं। कैसे चाहिए, विद कमिटमेंट विद फैमिली, ऐसा चाहिए कि वो प्रॉपरली कमिटमेंट एंड प्रॉपरली फैमिली के जरिए ही जा रहा है, बट इनके अंदर बहुत फियर दिख रहा है, मगर ये फियर से निकाल जाएंगे अगले कुछ दिनों में। इनके अंदर ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वाला एनर्जी होने वाला है इनके अंदर, इस टाइम में मैनिफेस्ट कीजिए। अभी अगले एक महीना ही, एक क्यों बोलूंगी, ऑलमोस्ट दो महीना, ये जो टाइम है इसमें प्रॉपरली मैनिफेस्ट कीजिए, प्रॉपर चीज प्रॉपर शांति से मैनिफेस्ट कीजिए, रिलीज कीजिए। बार बार रिलीज की बात करती हूँ, जो भी आपके अंदर ब्लॉक एनर्जी है रिलीज कीजिए। पुराने कपड़ा दे दीजिए, पुराने जूते दे दीजिए, पुराना, उस दिन बोल रहे थे, हाँ बहुत सारा मैसेजेस मेल में पूरा भरा हुआ था, मैंने डिलीट कर दिया, बहुत अच्छा किया रिलीज। ऐसा ऐसा करते करते ना कहाँ पे आपका एनर्जी चेंज हो जाएगा आपको मालूम नहीं लगेगा, उसके साथ क्या भाव रिलेशनशिप है। ऑल थिंग इज एनर्जी, ऑल थिंग आर एनर्जीज, ठीक है। सो बात जो है ये भी डर से निकाल जाएंगे, इनके अंदर भी जो चीज है वो भी रिलीज करना स्टार्ट करेंगे, रिलीज होने वाला है। यहाँ पे बहुत लोग है आपसे उम्र में छोटे है, वो एज डिफरेंसेस दिख रहा है,
बट आपके लिए काफी सोच रहे हैं, आपके लिए कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपके लिए कुछ हिम्मत जुटाना भी चाहते हैं। इमीडिएट एनर्जी में कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजिंग एनर्जी है, बट कुछ न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहा है, न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहा है। एक तो बात है, ये सोसाइटी से काफी डरने वाला पर्सन है, बहुत डरते हैं सोसाइटी से, सोसाइटी की डर इनको खाता है इनका, इसीलिए कभी कभी बहुत प्यार होते हुए भी खुद को कंट्रोल करते हैं, नो कॉन्टेक्ट पे चले जाते हैं, कभी हाँ कभी ना, ये सब पे चले जाते हैं, इनका आदत है। बट द थिंग इज, एक जगह है जहां पे ये आपको छोड़ के भी कुछ नहीं सोच सकते, साथ ही साथ आपको छोड़ के भी कुछ नहीं सोच पा रहा है इस मोमेंट पे, ठीक है। ऑप्शंस होते हुए भी ऑप्शन है, कभी कभी कोई कोई केस पे इंजॉय भी करते हैं उस ऑप्शन को, बट एंड ऑफ द डे उनको लगता है ना, आप एक डेस्टिनी हो, आप एक होम हो उनके लिए। ये वाला एनर्जी काफी दिख रहा है इमीडिएट एनर्जी में। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये जूझ रहा है, ऐसा चल रहा है, मगर जस्टिस वाला कार्ड आया है, जस्टिस आपको मिलेगा। एंड ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन कोई लीगल इश्यूज के अंदर से जा रहा है, डिवोर्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उससे भी एक जगह से जस्टिस मिलने वाले है। बर्डन फीलिंग काफी स्ट्रॉन्ग इमीडिएट एनर्जी में दिख रहा है, उनको लग रहा है कि भाई कुछ नहीं हो सकता, एक एक फाइव ऑफ कप्स वाला एनर्जी, मगर रास्ता है, ऐसा नहीं है, रास्ता नहीं है। कॉन्फ्लिक्चुअल एनर्जी काफी है, इसके बाद भी हम लोग देखते हैं टेन ऑफ कप्स वाला एनर्जी, बस उनका नजरिया थोड़ा चेंज करो, हैंगमैन सिचुएशन में है, थोड़ा नजरिया चेंज करना पड़ेगा, जिसमें इनके अंदर काफी चेंजेस यू कैन सी, और वो होने भी वाले हैं। कब से होने वाले हैं? अगले 4 से 10 दिन के अंदर एक चेंजेस आएगा, 4 to 10 days इसके अंदर चेंजेस आएगा। नो कॉन्टेक्ट में जो लोग हैं वो तो डिपेंडिंग ऑन योर एनर्जी, 4 to 10 minutes, 4 to 10 hours, 4 to 10 days, 4 to 10 weeks कैसा एनर्जी है, मगर 4 to 10 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, न्यू बिगिनिंग मस्ट, क्योंकि यहाँ पे फूल कार्ड आया है। साथ ही साथ वो कमिटमेंट देने के लिए सोच रहा है, डर से निकाल रहा है, सबसे बड़ी बात जो है डर से निकाल रहा है। कुछ ट्रैवलिंग वाला एनर्जी दिख रहा है, साथ ही साथ न्यू बिगिनिंग वाला एनर्जी भी दिख रहा है। इमैच्योर्ड एनर्जी में अभी भी है, उसको मैच्योर्ड एनर्जी में कन्वर्ट करना है, वो हर चीज चाहता है आप करो, आप बोलो, आप करो, वो एटीट्यूड दिखाए, या आप ज्यादा इंटरेस्टेड होके काम करते हो, वो एक मैसेज भेजे आप 3 मैसेज भेज देते हो, उस चीज को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। देखिए काफी एनर्जेटिकल इंप्रूवमेंट होगा उनको, थोड़ा मतलब आपको ग्रांटेड बनाने की जगह आप छोड़ दीजिए, और तब देखना उनके अंदर बहुत सारा जगह आएगा जहां पे उनको लगेगा नहीं, इनको ग्रांटेड नहीं ले सकते, ये वाला एनर्जी में आइए, ठीक है। जजमेंट वाला कार्ड आया है, जजमेंट तो जो भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से ही हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं एनर्जी ओरेकल से और क्या एनर्जी निकाल के आते हैं, एनर्जी ओरेकल और क्या एनर्जी निकाल के आते हैं आपके पर्सन की। एंग्जाइटी, इनकी एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी लेवल काफी अच्छा है, ज्यादा है। कॉर्डोकोपिया ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही, अच्छे की तरफ जा रहा है, कुछ अच्छा सोच, कुछ हिम्मत जुटा रहा, क्योंकि कहां कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वर्ल्ड कार्ड आया है, अब दोनों में एक न्यू बिगिनिंग तो होने वाला है। यहाँ पे देखा है 9+2 11 1+1 2 अगेन 11 नंबर 1+1 2 यहाँ पे 18 नंबर 8+1 9 तो 9 2 18 11 29 ये नंबर जो है वो काफी इंटरेस्ट मैंने आप लोगों के लिए काफी वो कोई ना कोई अच्छा काम के लिए होगा या आप लोगों का कोई स्पेशल डेज होगा। डोर टू स्पिरिट, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू जिंदगी एक मिलना इनके लिए काफी। नंबर 32 द थिंकिंग मैन आपके लिए काफी डीपली सोच रहा है, काफी डीपली आपके लिए सोच रहा है ये पर्सन, आपके लिए एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहा है, कैसे क्या हो सकता है आपके साथ आगे जाने के लिए, क्या क्या कर सकते हैं वो, इस टाइप की एनर्जी में है। एंड द हैप्पी फैमिली, वहां पे भी 10 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे भी नंबर 4 हैप्पी फैमिली आया है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ नंबर 2 4 ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली वो हैप्पी फैमिली चाहता है, बहुत घूमना फिरना, आंखों में चोली खेलना, नाना करना बहुत हुआ है, मगर एक जगह में, मगर इनके अंदर अभी भी नेगेटिव एनर्जी हो नहीं सकता, इस वाला एनर्जी दिख रहा है, इनसे इनको निकालना पड़ेगा। अगर आप हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हो कीजिए, पॉजिटिवली उनको मतलब बी पॉजिटिव, नेगेटिव थॉट्स आप भी दिमाग में लेके मत आइए, बेनिफिट कीजिए अगर आपसे हो सके, खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ग्रांटेड मत बनिए। आप वो जब भी अवेलेबल, आप वो जब भी बोलेगा आप अवेलेबल हो जाओगे, नहीं इसके मतलब मैं कभी नहीं बोलती उनकी फोन मत करो, उनका उनका फोन रिसीव मत करो, उनसे झगड़ा करो, नहीं,
मगर लास्ट जो फोन काटेंगे वो आपकी तरफ से बहुत अच्छा से बात करने के बाद ओके गुड नाइट या ठीक है रखते हैं, मगर आप बोलते ही जा रहे हो बोल रहे रख रहा है ये एनर्जी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ये एनर्जी में रहिए, देखिए काफी बेहतर होगा। चलिए देखते हैं बाबा की संदेश क्या है आपके लिए, बाबा क्या बोलना चाहता है इमीडिएट एनर्जी में आपको। प्लीज डिवाइन हेल्प करें, बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको। तारतम्य मन शरीर एवं आत्मा की तारतम्य साधिए, वो सभी तत्वों की संतुलन साधक में सहायता होगा। सच में माइंड सोल एंड बॉडी इसमें एक बैलेंस लेके अलाइनमेंट लेके आइए। ध्यान कीजिए, क्रिया कीजिए, योग कीजिए, देखिए आपके अंदर चेंज क्या आएगा। मालिक की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है वो मालिक की मर्जी से ही हो रहा है, मुस्कुराते हुए उस पर गुजर जाइए। जो भी हो रहा है लेसन चल रहा है और वो लेसन आपको 100% वही रिजल्ट की तरफ वही गोल की तरफ लेके जाएगा, तो मुस्कुराते हुए जाइए, रोइए मत। हर चीज से सीखिए क्या कहाँ कहाँ ब्लॉक है। कभी कभी मेरे स्टूडेंट बोलते हैं मैम बहुत अच्छे थे आपके हीलिंग की बात, दो दिन थोड़ा डाउन लग रहा है। मैं बोलती हूँ दो दिन में सीखा क्या है, कैसे ये दर्द से निकाल सकते हो, और सच में वो इजीली खुद ही निकाल जाते हैं। समझ में, उस एनर्जी में रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आज की रीडिंग यहाँ पे खत्म करते हैं। होप यू समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा आप लोगों को आज की स्पेशल एनर्जी। जैसे मैंने बोला है, बोली हूँ कि शिव की जैसे वंदना आज काल आज जिंदगी भर कर सकते हैं, तो आज स्पेशल डे है मगर हर दिन स्पेशल है, हर दिन आप स्पेशल हो। ठीक है ना, तो ऐसे ही कीजिए, कमेंट सेक्शन में दिल खोल के कीजिए प्रेयर। फिर से बोल रही हूँ, मैं जब भी हीलिंग में बैठूंगी रेकी मादर से डिवाइन से आप लोगों के लिए सच्चे दिल से प्रे करूंगी। आप लोग जो भी आप लोगों का विश फुलफिल हो जाए तो मुझे बिल्कुल खबर करना। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे। थैंक यू।